सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम GSTR 3B के बारे में डिस्कस करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पर मैंने GSTR 3B पे एक आर्टिकल लिख रखा है, तो इसी आर्टिकल की डिस्कशन हम करने वाले हैं। इस आर्टिकल का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक करके इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं इस आर्टिकल तक, और मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ें। तो GSTR 3B आज हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि GSTR 3B है क्या। GSTR 3B एक सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर्मेट है जो कि GST के लिए, GST के इंट्रोडक्शन के लिए स्पेशली इंट्रोड्यूस की गई है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि GST जो है वो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ है और अभी तक जो लोग हैं वो GST के जो कॉम्प्लेक्स रिटर्न्स हैं GSTR 1, 2 और 3 उसके बारे में डिटेल्स में प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं कि उन रिटर्न्स को कैसे फाइल करना है, अभी तक उन फॉर्मेट्स को ठीक से समझ नहीं पाए। तो उनको प्रिपेयर होने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ और समय दिया है और कहा है कि तब तक आप GSTR 3B फाइल कर दीजिए तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो GSTR 3B जो है वो GSTR 1, 2 और 3 की कॉम्बिनेशन का एक सिंपल रिटर्न फॉर्मेट है जो कि जुलाई और अगस्त 2017 के लिए ही वैलिड है। और यहाँ पे आपको कुछ समराइज्ड डेटा जो है वो डालनी पड़ेगी और रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने लिख रखे हैं जो किसी भी GST रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसके दिमाग में आ सकती हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और इनका जवाब जो है वो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहली क्वेश्चन है व्हाट इज़ GSTR 3B, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 3B, तो किसे ज़रूरत है GSTR 3B फाइल करने की, चलिए देखते हैं किसको फाइल करना पड़ेगा। तो GSTR 3B जो है ये सारे रजिस्टर्ड पर्सन्स जो GST में रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें GSTR 1, 2 या 3 फाइल करना था वो GSTR 3B फाइल करेंगे। ठीक है, और इसकी ड्यू डेट क्या है, व्हाट इज़ द ड्यू डेट फॉर GSTR 3B? GSTR 3B की ड्यू डेट है जुलाई 2017 के रिटर्न जो है वो आपको 20 अगस्त के अंडर देनी है और अगस्त 2017 की जो रिटर्न है GSTR 3B वो आपको 20 सितंबर के अंदर फाइल करनी है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें GSTR में क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो GSTR 3B में जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वो GSTR 3B की ये एक फॉर्मेट जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ की है उसमें दी हुई है क्या क्या डिटेल्स हमें डालना है। तो चलिए इस फॉर्मेट को हम डिटेल्स में देखते हैं। तो ये है GSTR 3B की फॉर्मेट। अब GSTR 3B में यहाँ पर आपको ईयर और मंथ देना पड़ेगा, GSTIN नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, और ये जो फॉर्म आप यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे हैं ये ऑनलाइन में जो पोर्टल में फॉर्म अवेलेबल है उसकी जस्ट एक रिप्लिका है। सिमिलरली जब आप GST की वेबसाइट पे जाके अपना GSTR 3B फाइल करेंगे तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मेट वहाँ पे मिलेगा, तो उसकी तैयारी ताकि आप कर पाएँ इसलिए गवर्नमेंट ने ये फॉर्मेट रिलीज़ किया है। तो देख लीजिए आपको क्या क्या डिटेल डालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देना है डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाइज एंड इनवर्ड सप्लाइज लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी कि आपने आउटवर्ड सप्लाइज जितनी भी की है, जितना भी माल आपने या सर्विसेज आपने सप्लाई किया है अपने बिजनेस से वो आपको देनी पड़ेंगी, और इनवर्ड सप्लाइज जितना भी इनवर्ड सप्लाइज आपने एंजॉय किया यानी कि खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं या सर्विसेज खरीदे हैं जो कि रिवर्स चार्ज के अंदर लायबल थे, मतलब आपने टैक्स पे किया है रिवर्स चार्ज के अंदर, तो उन सप्लाईज की डिटेल्स जो है आपको इस पहले बॉक्स में देनी है। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकअप भी है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज जीरो रेटेड, अदर आउटवर्ड सप्लाईज नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज और नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज। तो ये सारे आपके आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज और आउटवर्ड सप्लाईज जो नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड हैं वो सारे आप यहाँ पे डाल लेंगे। आपने जो सप्लाईज इनवर्ड सप्लाईज लिए हैं यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज आपने खरीदा है जिन पे रिवर्स चार्ज पे टैक्स एप्लीकेबल था उनकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे डालनी है, और नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज ऐसी कुछ सप्लाई आपने की है जिसपे GST लागू ही नहीं होता है
तो वो आपको यहाँ पे डालना है। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए कि यहाँ पे आपको कोई इनवॉइस वाइज डिटेल्स नहीं डालनी है, जैसा कि GSTR 1 में 2 में आपको करना था। यहाँ पर आपको सिर्फ कंसोलिडेटेड फिगर्स देने हैं, ठीक है, जैसे कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी होनी है, इंटीग्रेटेड टैक्स कितनी है, सेंट्रल टैक्स कितनी है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी टैक्स कितनी है और सेस कितनी है, ठीक है। तो कोई इनवॉइस वाइज ब्रेकअप, कोई पार्टी वाइज ब्रेकअप, B2B, B2C वगैरह, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कंज्यूमर, ये सब आपको डिटेल्स ब्रेकअप यहाँ पे डेली नहीं है, सिर्फ समरीज देनी है। इसीलिए इसे सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न फॉर्मेट कहा गया है। अब इसके बाद देखिए, ऑफ द सप्लाई शोन इन 3.1A अबव द डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्संस, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्संस एंड UIN होल्डर्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो 3.1 का जो ये ए वाला पार्ट है, यहाँ पर आपने जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज दिखाई हैं यहाँ पे, इसमें इसमें से कितना अनरजिस्टर्ड पर्संस को आपने सप्लाई किया था, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले पर्संस को सप्लाई किया था और UIN होल्डर्स वालों को सप्लाई किया था, जो कि इंटर स्टेट सप्लाईज थी, सारे सप्लाईज नहीं। यहाँ पे आपने जो मेंशन किया है इस कॉलम में 3.1 के ए वाले में जो आपने मेंशन किया है, इसका कितना भाग या इसमें से कितना इंटर स्टेट सप्लाईज है, यानी कि आपके स्टेट के बाहर, टू अनरजिस्टर्ड पर्संस, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन और UIN होल्डर्स को दिया है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाईज है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स का अमाउंट जो है उन्होंने मांगा है, यहाँ पे CGST SGST नहीं होने वाला। ओके, अब आगे देखिए, बॉक्स नंबर 4 में आपको ITC, आपने जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप एंजॉय करने के लिए, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, आप टोटल इस बॉक्स में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है या सर्विस इंपोर्ट किया है या इनवॉइस सप्लाईज आपने ली है जो कि लायबल टू रिवर्स चार्ज है, तो आप अगर रिवर्स चार्ज पे, इनवर्ड सप्लाईज पे, रिवर्स चार्ज पे अगर कोई टैक्स देते हैं तो आपको उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। या आपने कोई इनवर्ड सप्लाई लिया है ISD यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से, या कोई भी अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपके पास है, वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कोई ITC अगर रिवर्स हुई हो तो उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एलिजिबल ITC की सारी डिटेल्स जो हैं वो डालनी है। यहाँ पे भी आपको इनवॉइस वाइज कोई ब्रेकअप नहीं देना है, सिर्फ आपको इन हेड्स के रिस्पेक्ट में अमाउंट को जो है कॉन्सोलिडेट कर लेना है और यहाँ पे दिखा देना है। उसके बाद थर्ड है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज, ये इनवर्ड है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपने कोई एग्जेम्प्ट नील रेट या नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज ली हैं तो उसका वैल्यू जो है वो आपको देना पड़ेगा, इंट्रा स्टेट का अलग और इंटर स्टेट का अलग, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्सेस फाइनली, तो अगर आपने कुछ टैक्सेस पे की है जो कि आपको करनी तो पड़ेंगी, तो उसकी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे देनी है, कितनी IGST, कितनी CGST, कितनी SGST या UTGST जो भी है, और सेस आपने कितना पे किया है, वो इस फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा। टैक्स पेबल कितना था, जिसमें से ITC आपने कितना यूटिलाइज किया, और उसके बाद बैलेंस कितना टैक्स आपने कैश में पे किया है, अगर कोई इंटरेस्ट या लेट पेनल्टी, लेट फी वगैरह है तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। और आगे TDS और TCS के लिए एक बॉक्स दिया हुआ है, पर आप देख सकते हैं कि इसको उन्होंने ग्रे करके रखा है। इसका कारण ये है कि TDS और TCS की प्रोविजंस जो है वो अभी तक लागू नहीं की गई हैं। प्रोविजंस तो हैं एक्ट में, पर उनको अभी तक चालू नहीं किया गया है। जब गवर्नमेंट या GST काउंसिल नोटिफिकेशन रिलीज करेगी तब से TDS और TCS के प्रोविजन स्टार्ट होंगे, पर अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसलिए इन्हें ग्रे आउट करके दिया है, इसलिए इसमें कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह कुछ हैं, तो फॉर्मेट में बस इतना ही था, ये डिटेल्स ही आपको डालनी है GSTR 3B फाइल करने के लिए। तो चलिए वापस चलते हैं आर्टिकल की तरफ। तो ये फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया है, इसके बाद यही फॉर्मेट की जो डिटेल्स है ब्रेकअप वो मैंने यहाँ पे लिख रखी थी। अब जो मेन मुद्दा ये है कि अगर आप GSTR 3B फाइल करते हैं तो क्या आपको GSTR 1, 2 और 3B फाइल करना पड़ेगा जुलाई और अगस्त 2017 के लिए? तो बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि अगर मैं GSTR 3B फाइल कर ही लेता हूं तो फिर GSTR 1, 2 और 3 फाइल करने की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। गवर्नमेंट यहां पे बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम एक्सटेंशन दिया है, पर वो आपको GSTR 1, 2 और 3 से मुक्त नहीं कर रहे हैं जुलाई और अगस्त के लिए। आपको GSTR 1, 2 एंड 3 तीनों फाइल करनी है जुलाई और अगस्त के लिए, और उसकी ड्यू डेट्स जो हैं वो यहाँ हैं।
तो जुलाई 2017 के लिए GSTR 1 आपको फाइल करना है 5 सितंबर के अंदर, GSTR 2 फाइल करना है 10 सितंबर के अंदर और GSTR 3 फाइल करना है 15 सितंबर के अंदर। और अगस्त 2017 के लिए आपको GSTR 1 20 सितंबर के अंदर, GSTR 2 25 सितंबर के अंदर और GSTR 3 30 सितंबर के अंदर फाइल करना है। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो घबराइएगा नहीं मैं जो कहने वाला हूँ वो सुन के, पर ध्यान से देखिए तो आपको सितंबर के महीने में 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिटर्न्स फाइल करनी है, GSTR 1, 2 और 3। और साथ ही आपको सितंबर में अगस्त महीने का जो GSTR 3 भी था वो भी 20 सितंबर को फाइल करना है, यानी कि आपको टोटल सितंबर 2017 में 7 रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी, टोटल 7 रिटर्न्स, जो कि एक तो GSTR 3 भी हो गई अगस्त की जो 20 सितंबर को फाइल करना है, और अगस्त जुलाई और अगस्त की GSTR 1, 2 और 3 दोनों महीनों की आपको सितंबर महीने के अंदर ही फाइल करना है। सिर्फ देखिए 5 दिनों का गैप है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। और इस 20 सितंबर को आपको 2 रिटर्न फाइल करनी होंगी, एक अगस्त 2017 की GSTR 1 और अगस्त 2017 की GSTR 3B, ठीक है। अब ये डेट्स जो मैंने लिखी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको GSTR 1 5 सितंबर को ही फाइल करना है, आप 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच GSTR 1 फाइल कर सकते हैं, 6 सितंबर से 10 सितंबर के बीच GSTR 2 फाइल कर सकते हैं, 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच GSTR 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 5 दिनों का आपको टाइम पीरियड मिलेगा हर रिटर्न को फाइल करने के लिए। अब आगे कुछ और पॉइंट्स नोट करने लायक हैं, वो क्या है चलिए देखते हैं। देयर विल बी नो लेट फीस और एनी पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भैया पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हो, चलो इस बार जुलाई और अगस्त के रिटर्न के लिए कोई लेट फी या पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। और देखिए सितंबर 2017 से GSTR 3B एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि GSTR 3B सिर्फ जुलाई और अगस्त महीनों के लिए ये एक्स्ट्रा फॉर्म दी गई है, और सितंबर के महीने से आपको मैंडेटरीली GSTR 1, 2 और 3 ड्यू डेट्स में फाइल करनी है, यानी कि जिस महीने की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके अगले महीने के 10 तारीख के अंदर GSTR 1, 15 के अंदर GSTR 2 और 20 तारीख के अंदर GSTR 3 आपको फाइल करना पड़ेगा, और ये प्रोसेस जो है वो सितंबर 2017 से स्टार्ट हो जाएगा। तो GSTR 3 भी जो है वो सिर्फ आपका जुलाई और अगस्त के लिए है। फाइनली मेरा ओपिनियन इसमें यह है कि अगर आपको GSTR 3B के अलावा 1, 2, 3 दोनों से जुलाई और अगस्त के लिए फाइल करवाना ही था तो फिर GSTR 3B को इंट्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं बनता था। और अगर आप देखें तो हर न्यू टैक्सपेयर के लिए जो GST रिजीम में अभी अभी आया है, जो GST को ठीक से समझ भी नहीं पाया है, उसके लिए एक महीने में 7 रिटर्न फाइल करना, जो कि सितंबर में मैंने आपको बताया कि सितंबर 2017 में 7 रिटर्न्स आपको फाइल करने पड़ेंगे, ये काफ़ी हेडेक वाला काम हो सकता है, काफ़ी डिस्टर्बिंग काम हो सकता है। पता नहीं गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, पर किया है, गवर्नमेंट है तो हमें तो इसको कंप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, एक बार जाके आप ये आर्टिकल को भी ज़रूर पढ़ लें, मेरे वेबसाइट पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको GST रिटर्न्स के GSTR 1, 2 और 3 के डिटेल में और वीडियोज़ चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा और उसमें अच्छे से उनके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।